खास बात बताता हूँ, हम लोग 10 रुपये का टिकट लेके आए हैं पूरा, और वो फोकट का टिकट हम लोगों ने लिया। ये बाउंड्री वॉल है पीछे साइड देखो, लोग उधर से बाउंड्री पार करके डायरेक्ट आ रहा है मुफ्त में। हे गाइस, दिस इज रवि चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग निकल रहे हैं दूधनी के लिए, काफ़ी अच्छा एडवेंचर होने वाला है। सब दोस्त लोग जा रहे हैं, अराउंड 3 बाइक, 6 to 7 पीपल्स रहने वाले हैं, और बहुत मज़ा आएगा। तो चैनल के साथ आप एंड तक बने रहना। सो हे गाइस, अभी हम लोग एक दोस्त है उसको पिकअप करने के लिए आए हैं नैनो सिटी में। अभी वो जैसे ही नीचे आएगा तो हम लोग आगे का सफर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही फोटो लिया था। सोनू अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो गया है अभी, वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी उसके पास 1+ फोन है, और प्लस ये नया वाला बाइक है, ये एफजेड गाड़ी है। वो बहुत एटीट्यूड में है, बात भी नहीं कर रहा है हम लोग से अभी। और भी दबाना पड़ता है ना एक बटन, कुछ नहीं दबाना पड़ता है, दबाना पड़ता है। अरे नहीं, एक दबाना ना, और दबाना पड़ता है। बाहर आ गए ले कप्पू, कप्पू के घर पे। ओ वाह, ओ भाई देखो उसको हंसते अंडे। सो ये अपने पप्पू भाई का बालकनी है, देखो इधर से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है। ये देखो सारा एकदम टेस्टी मिठाई है। गाइस ऑलरेडी हम लोग 3 घंटा लेट हो चुके हैं, और देखो वो सामने पप्पू खड़ा है, वो इस वक्त गाड़ी को बनवा रहा है। बताओ ये कौन सा बात होता है। हम लोग 2 घंटे पहले ही लेट हो चुके हैं, इतना कड़क धूप है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और देखो अभी गाड़ी बनवा रहा है। अभी हम लोग का पूरा गैंग पीछे खड़ा है, वो देखो 2 स्कूटी वहाँ पे खड़ी है। अभी 2 जन आगे निकल गए, कैसे चलेगा इस तरह से आदमी घूमने जाएगा। तो रिफ्रेश हो जा भाई, तो दीदी को नींद आ रहा है, बताओ अभी कैसे चलेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिप पे आना हो तो सुबह ही आने का। भी देखो दीदी को नींद आ रहा है अभी। तो गाइस अभी हम लोग एक फोटो शूट भी हुए वहाँ पे रुके, फोटो खींचने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जितना दूर आप आंख घुमा के देख सको तो आपको माउंटेन्स और लेक जो तालाब है वो दिख रहा होगा। पानी सूख गया है यहाँ पे, वो भी खड़े हैं। और यहाँ पे गणेश भाई भी, देखो पिछले टाइम आपने जो व्लॉग में देखा था उबर कोई वही वाले गणेश भाई आते हैं। और ये पीछे हमारी टीम आ गई, माया दीदी और सब लोग। अब आगे निकलते हैं। गाइस हम लोग फाइनली दुधनी जट्टी के पास तो पहुंच गए हैं, लेकिन आपको भीड़ दिखाऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे। जाओ तो आप खाली गाड़ी 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 है, और ट्रैफिक कितना ज्यादा तो आने जाने का रास्ता पूरा जाम। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए, और कैसे कैसे करके हमने जगह पार्किंग के लिए जगह ढूंढा, जगह तो मिल गया। अभी आधा गैंग जो हम लोग का है वो आया नहीं है, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा। लोग किधर पे आ रहा है वो धीरे धीरे, आगे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मतलब गाड़ी निकाल नहीं सकते। और ये छोटू हमारे साथ में मस्ती मजाक कर रहा है। आज शुक्रवार है शायद, इसलिए शायद भीड़ ज़्यादा है, या फिर आज न्यू ईयर है इसलिए भीड़ ज़्यादा है। हाँ सबका छुट्टी देता है, उस वजह से आज भीड़ ज़्यादा है। ले आ जाओ, ये हमारे ग्रुप का सबसे, ये हमारे ग्रुप का सबसे चुलबुला चुलबुला बोल सकते हैं वो है, और ये आज खूब मजे करने वाला है आगे जाके।
पर तैरना आता है तेरे को? बोल जल्दी बोल, तैरना आता है क्या? देखो पानी में डाल देगा हम लोग। कैसा एक्साइटमेंट है सोनू? तो दिख ही नहीं रहा यार, थोड़ा पास में तो तभी तो दिखेगा। मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे, थोड़ा जोर से बोल। तो क्या बोलता है गोलू सोनू, कुछ इसको संभाल लेते अपन। ये लोगों के रिएक्शन तो बताओ कैसे। यहाँ पे लोगों के रिएक्शन बहुत भारी है, हम लोग को देख के सब हंस रहे हैं और बोले कि क्या ये लोग कर रहा है। पूरा ग्रुप अभी साथ में हो गया है, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन व्यू तो काफी अच्छा है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब चल रहा है। हमारे ब्लॉगर है रवि, उन लोगों को पता है। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है, पप्पू कराने वाला है ये सामने देखो, ये पप्पू है, ये हम लोग बोटिंग कराने वाला है। जो मजा है मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आज का भीड़ मैं आपको बताऊँ ना, इतना भीड़ मैंने 5-6 बार हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया इधर पे, पर बहुत ज्यादा भीड़ है। आपको एक बार वापस से दिखाता हूँ। वोट आप देखो पूरा खचा खच भरा हुआ है। मैंने अभी आपको जो फेरी दिखाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ के लोगों का मेन मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे पुल अभी रेडी नहीं है। तो ये जो फेरी है इससे वो लोग ट्रैवल करते हैं इस साइड से, वो टापू जो है वहाँ पे, और इसमें वो हंस रहा है देख। वो एक लड़का है सामने, वो हंस रहा है देख के। तो गाड़ी बाइक या फिर बस ट्रक जो भी है उसी इसी से ट्रांसपोर्ट करते हैं वो साइड में, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है शाम के टाइम का। खाओ शाम होगा तो और मस्त व्यू आएगा। क्राउड यहाँ पे बहुत भारी है, गार्डन में चल रहे, पता नहीं कौन सा गार्डन इधर पे और क्या देखने वाले गार्डन में। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वाइट फेदर रिसोर्ट, और 10 रुपीज़ टिकट है, 10 रुपीज़ पर पर्सन, 10 रुपीज़। आइसक्रीम खा रहे? किधर से आइसक्रीम लिया? दुकान से लिया। अभी पता नहीं इसके अंदर में क्या हम लोग को देखने मिलेगा, बट ये लोग 10 रुपये का टिकट ले रहा है। दादरा नगर हवेली टूरिज्म इंफॉर्मेशन बोर्ड, वहाँ पे देखते उसमें क्या क्या है। बहुत गर्मी हो रहा है भाई, और ये मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें दिया है दादरा नगर हवेली सिलवासा के जितने भी फेमस प्लेसेस है सबका बोर्ड यहाँ पे किया हुआ। और ये कुछ गेट है हमारा, और एंट्री मारने के बाद आप जो साइड चाहो उधर पे घूम सकते हो। यहाँ पे स्टॉल है, इसमें यहाँ के कुछ लोकल आर्टिफैक्ट्स हैं, एक तरह का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये। सही बात है, हम लोग आए थे बहुत कुछ सोच के, बट यहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ इतना मज़ा नहीं आया। नॉर्मली अभी हम लोग इधर ही आ गए। टिकट का काउंटिंग हो रहा है, काउंटर वाले सोच रहे कि ज़्यादा आदमी आ गया ऐसा सोच के। नक्षत्र इससे बढ़िया है मेरे ख्याल से, कुछ नहीं है रे, पता नहीं 10 रुपये क्या चीज़। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग आना मत इधर पे, नक्षत्र अपना बढ़िया सिलवासा वाला नक्षत्र चले जाना। ये देखो खाली मोटा मोटा घास उग रखा है, कुछ है नहीं, देखेगा तो देखेगा क्या, ऐसा थोड़ी है। मैं अपना देखो भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ये गार्डन मेरे को नहीं अच्छा लगा। सिलवासा में इससे अच्छा गार्डन है। गार्डन है क्या ये साला केंडा? अच्छा अपना इससे क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा डानुल फलिया। ये आपको प्रेफर करेगा डानुल फलिया? वो क्या है बाल देवी है, बड़े बड़े ढूंगर है, जंगल ही जंगल। थोड़ा क्लीन रखो इधर, देखो यहाँ पे पूरा रायता फैला के रखा है। स्वच्छ भारत अभियान का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। आज बात बताता हूँ, हम लोग 10 रुपये का टिकट लेके आया है पूरा, और वो फोकट का टिकट हम लोग ने लिया। ये बाउंड्री वॉल है पीछे साइड, देखो लोग उधर से बाउंड्री पार करके डायरेक्ट आ रहा है मुफ्त में। दुधनी का जो ट्रिप था वो हमने ख़त्म किया, और ज़्यादा कुछ घूमे नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा था और थोड़ा लूज महसूस कर रहे थे हम लोग। बोलना भाई, पब्लिक बहुत थी, पूरा एकदम भरा हुआ था। अभी हमने क्या है वापस लौट रहे हैं, अभी आगे चल के देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलेगा तो खाएंगे, बहुत थके हैं पूरी तरह से, कुछ खाने खा ले ऐसे ही उधर रखड़ते रहे और खाते हैं यार। सो गाइस, काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग को एक पावड़ा का दुकान मिला है, यही डायलॉग उस दिन भी था। तो पावड़ा का दुकान मिला है, अभी हम लोग ऑर्डर किया इसमें, और ऑर्डर 100 रुपीज़ के आसपास किया है। गणेश भाई बोल रहे हैं गर्मा गर्म,
गर्मा गर्म नहीं होगा लेकिन गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया और पाव वड़ा तो आएगा अभी, तो देखते हैं अभी कितने देर में भाई सब देंगे। पाव वड़ा हो गया बन रहा है, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, मिलेगा हमको खाने के लिए। बहुत भूख लगा था, 45 मिनट हम लोग सफ़र कर रहे थे और ऊबड़ खाबड़ रोड, पूरा बॉडी एकदम दुब गया प्यास, अभी फाइनली मिला है तो दबा के खाएंगे। एक हमारा गैंग का बंदा बिछड़ नहीं गया था, भटक गया था, जो उसको बुलाया है आ रहा है वो, नई गाड़ी का राइड लेने चला गया, नई गाड़ी का राइड लेने के चक्कर में वो आगे निकल गया था। वो अंकल देखो अंदर पूरी बेलते हुए पावड़ा आ गए हैं, देखो अभी 2 मिनट में सब गायब हो जाएगा। अपना अपना हिस्सा ले लो यार, देखा जाएगा। आज का सफर करके आज हमारे साथ में घूम के तो कैसा लग रहा है? आज तुझे मजा आया? अच्छा लग रहा है। वापस आएगा? वापस आएगा कब आएगा?